करनाल में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। भारतीय मजदूर संघ के नेता जंग बहादुर चौहान के नेतृत्व में विभिन्न विभागों से निकाले गए कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर रोष व्यक्त किया है। जंग बहादुर चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा इस लॉकडाउन के समय में कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके कारण उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाला जाए और उनकी मांगों पर भी गौर किया जाए। यहां हम आपको बता दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा पिछले 8 से 10 साल तक नौकरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया था। उसी के मद्देनजर मजदूर संघ अन्य विभागों के कर्मचारियों को इकट्ठा कर आज यहां रोष व्यक्त करने पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार राजबख्श सिंह को सौंपा। वहीं राजबख्श सिंह ने इस अवसर पर कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर गौर किया जाएगा और इनकी मांगों को जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक भेजा जाएगा। करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकिन इसमें टूरिज्म के जो कर्मचारी हैं लेक से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। आज आयुक्त ये जो निकालने कर्मचारी नहीं वो सारे क्या मांगों को लेकर आज आप पहुँचे हैं? कौन लोग आए करनाल के अंदर? शुगर मिल, हरियाणा टूरिज्म, कल्पना चावला, गणेश तार उद्योग और स्पिनिंग मिल, इनके मजदूरों को एक एक दो दो करके बुलाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के हालात को देख कर ये हम संख्या ज़्यादा नहीं दे सकते, उस पर रोक लगी हुई। क्या मांग करने आए हैं? मांग हम ये करने के लिए आए हैं कि जो मजदूर यहाँ से गए हैं अपने अपने घर को और वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, रास्ते में मर गए हैं, उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए और जितने दिन से उद्योग बंद हैं उनका पैसा मिलना चाहिए। ऐसे तमाम इंडस्ट्री हैं, हरियाणा टूरिज्म से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे सबको निकाल दिया गया, कल्पना चावला में भी यही हाल हुआ, नगर निगम में तो खैर धपका दे करके फिर अंदर हो गए, शुगर मिल में भी यही हाल हुआ। सेक्टर 3 की जो इंडस्ट्रीज हैं करीब 100 के करीब ऐसी हैं कि चालू भी कर दी गई हैं, लेकिन जो बैठे हुए जिनों के पैसे थे सरकार ने तो 20 लाख करोड़ रुपया इनको दे दिया, खैरात में बांट दो, फैक्ट्री मालिकों को मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन जिन गरीबों का वो पैसा है जहां तक वो पहुंचना चाहिए वहां तक अभी एक पैसा भी नहीं मिला है। भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध कर रहा है और जो सरकार ने ड्यूटी टाइम बढ़ा दिए हैं उसका विरोध हमने किया है और भारतीय मजदूर संघ ने जितने भी लेवल लाज में परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको पहले जैसा फिर रखा जाए, कहीं 2-1% अगर आवश्यकता पड़ती है अमेंडमेंट की तो उसको अमेंडमेंट किया जाए, ना कि उस अमेंडमेंट के कारण जो पीछे से चला आ रहा था वो सब खत्म कर दिया जाएगा, तो उसकी परिस्थिति ये बनेगी कि सारा मजदूर कंटेक्ट पर चला जाएगा और फिर गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा। क्या मांगों को लेकर आज आप पहुँचे हैं? कौन लोग आए? करनाल के अंदर शुगर मिल, हरियाणा टूरिज्म, कल्पना चावला, गणेश तार उद्योग और स्पिनिंग मिल, इनके मजदूरों को एक एक दो दो करके बुलाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के हालात को देख कर ये हम संख्या ज़्यादा नहीं दे सकते, उस पर रोक लगी हुई। क्या मांग करने आए हैं? मांग हम ये करने के लिए आए हैं कि जो मजदूर यहाँ से गए हैं अपने अपने घर को और वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, रास्ते में मर गए हैं, उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए और जितने दिन से उद्योग बंद हैं उनका पैसा मिलना चाहिए। ऐसे तमाम इंडस्ट्री हैं, हरियाणा टूरिज्म से
जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे सबको निकाल दिया गया। कल्पना चावला में भी यही हाल हुआ, नगर निगम में तो खैर धपका दे करके फिर अंदर हो गए, शुगर मिल में भी यही हाल हुआ। सेक्टर 3 की जो इंडस्ट्रीज हैं करीब 100 के करीब ऐसी हैं कि चालू भी कर दी गई हैं, लेकिन जो बैठे हुए जिनों के पैसे थे, सरकार ने तो 20 लाख करोड़ रुपया इनको दे दिया, खैरात में बांट दो, फैक्ट्री मालिकों को मिल जाएंगे, बड़े बड़े लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन जिन गरीबों का पैसा है जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक अभी एक पैसा भी नहीं मिला है। भारतीय मजदूर संघ इसका विरोध कर रहा है, और जो सरकार ने ड्यूटी टाइम बढ़ा दिए हैं उसका विरोध हमने किया है, और भारतीय मजदूर संघ ने जितने भी लेवल लाज में परिवर्तन हो रहे हैं उन सब को पहले जैसा फिर रखा जाए, कहीं 2-1% अगर आवश्यकता पड़ती है अमेंडमेंट की तो उसको अमेंडमेंट किया जाए, ना कि उस अमेंडमेंट के कारण जो पीछे से चला आ रहा था वो सब खत्म कर दिया जाएगा, तो उसकी परिस्थिति ये बनेगी कि सारा मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पर चला जाएगा और फिर गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.